तो बड़ा सोहना लग हेलो जी, वेलकम बैक, स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये आज फाइनली दिन आ गया है मेन आखिरी काम करने का अपने बैकयार्ड वाले प्रोजेक्ट का। बस अब आज का काम अपना यही है, रोल्स पड़े हैं यहाँ पे, इनको उठा कर डालना है पीछे। पर आज सुबह से हम लगे हुए हैं, हमने कुछ काम पीछे ऑलरेडी कर दिया है, जो कि ये है कि हमने जो हम लेके आए थे स्टोन डस्ट अपनी, जितनी पीछे लगनी थी हमने उठा के पीछे पटक दिया है, उसको किया लेवल। लेवल करने के बाद पानी छिड़का, उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर चलाया कॉम्पैक्टर, तो वो अच्छा खासा पूरा मामला पीछे सेटल हो चुका है। और जितना हमें गैप जितनी हमें ऊंचाई चाहिए थी उसकी उतनी आ चुकी है। अब फनी टाइम आ चुका है ये बिछाने का, तो अब लेके चलते हैं इसको पीछे। अब इसके साथ ये दिक्कत है, इसको खींच रहे हैं तो उसकी वो आगे से डायरेक्शन चेंज आती है, और हैवी ज़्यादा है बॉस। इसको साथ में पकड़े कैसे, जुगाड़ जुगाड़। तो ये अपना जो ये पूरा आर्टिफिशियल ग्रास है, तो ये एक जो ब्लॉक है ये है 15x17 फुट का, तो अपना ऐसे है 19 और ऐसे है 16, तो उसको हम ऐसे बिछाएंगे, 17 पूरा यहाँ पे आ जाएगा और 15 तक यहाँ कवर हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा दूसरा सेट वो यहाँ करेंगे, और उसके बाद ही अपना काफ़ी बच जाएगा एरिया, एक आर्टिफिशियल ग्रास बच जाएगी काफ़ी सारी, तो फिर उसको देखेंगे बाद में कैसे लगाना है। पर फिलहाल अपने पास सामान काफ़ी है, कम नहीं है अपने पास। अभी पीछे थोड़ी बहुत बच गई है जो अपनी स्टोन डस्ट थी, यहाँ हमने बिछा दी अच्छे से, कॉम्पैक्ट भी कर दिया है। तो मैं बात कर रहा था इसकी, जो ये गैप जो जितना अपने इस वाले पत्थर में और इस लेवल में जो अपने को डिफरेंस चाहिए वो बहुत कम चाहिए, क्योंकि जो आर्टिफिशियल ग्रास डलेगी वो इतनी रहनी चाहिए कि यहाँ पे पता ना चले पैर रखने पर कि हमें कुछ ऊपर नीचे है मामला। तो इस हिसाब से हमने इसको उठा दिया है। अब अगर लगेगा बाद में कि अभी भी गैप है या कुछ अनइवन है मामला, तो अपने पास पीछे पड़ी है स्टोन डस्ट, थोड़ी और डाल के एक राउंड और चला देंगे फिर यहाँ पे। तो फिलहाल काम हो जाएगा, फिलहाल अपना यही प्लान है। और आज सुबह ही बारिश पड़ चुकी है थोड़ी बहुत, आज पड़नी है दिन में। और उसके बाद इसमें भी एक स्टेप ऐसा है जिसमें अपने को धूप वाला मौसम चाहिए, वो ये है कि कहते हैं जब घास बिछा दी जाएगी तो घास के ऊपर एक सिलिका सैंड छिड़कनी होती है, जो काम करती है जैसे अपने बालों में जेल लगती है ना, मैं तो है नहीं, तो जो जो बालों में जेल लगती है बालों खड़ा करने के लिए, तो सिलिका सैंड जो बिल्कुल वैसे ही काम करती है, तो उसके जो घास है ब्रिसल्स वो खड़े रहेंगे, तो वो वाला काम तभी होगा जिसमें होगी धूप। तो अब आज देखते हैं, अगर आज धूप निकलती है थोड़ी बहुत, कुछ सही होता है मौसम, तो वो वाला काम भी करेंगे, वो नहीं होगा तो फिर आज खाली फिर हम इसे बिछाएंगे। अभी हम गए थे होम हार्डवेयर, क्योंकि हमारे पास चक्कू नहीं था घास काटने के लिए, तो हम साथ में ये भी ले आए एक्सटेंडर, अपने को यही कलर मिले, बाकी एक हरा रंग था और एक काला रंग था। ये बेसिकली क्या चीज़ है, जो अपने यहाँ पे ये ड्रेनेज पाइप्स हैं, जो अपना ईव स्ट्रफिंग वाले जो पाइप आ रहे हैं, तो
उसको यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लगा के यहाँ पे कहीं पे इसको छोड़ेंगे, क्योंकि पानी अगर सीधा यहीं गिरता रहेगा तो वो भी सही नहीं है। तो अपने को दो कॉर्नर्स के लिए चाहिए, यहाँ के लिए चाहिए एक, वहाँ के लिए चाहिए। वहाँ वाला जो है वो हम जो रिवर रॉक वाला जो अपना बॉर्डर है वहाँ पे छोड़ देंगे, पानी वहाँ जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और दरवाजा, दरवाजा भी करना है। अच्छा, दरवाजा भी करना है, सारे काम होने। तो दरवाजे का भी देखना है पूरा, ये चुका जाएगा। सही लग रहा है। Looks nice. हम यहाँ से खींचते हैं, वहां से टेढ़ा हो जाता है, वहां से खींचते हैं यहाँ टेढ़ा हो जाता है। या तो जो उन्होंने हमें दिया है वो भी पूरा पर पूरा उन्होंने प्रॉपर रेक्टेंगल कट करके नहीं दिया, उन्होंने कुछ आड़े टेढ़े एंगल पे काट के दे दिया। वही एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक चादर बिछाना। हाँ, लाइक चादर बिछाना, पूरे कॉर्नर्स में आना चाहिए सारा ढंग से, वही नहीं आ रहा। देखें, या तो अगर नहीं फिट होगा तो फिर कहीं एक साइड से बाहर खींच कर फिर एक साइड से काटना पड़ेगा हमें, बड़ा औखा काम है वो। इतनी देर मशक्कत करने के बाद हमने फाइनली घास को सेट किया। सेट करने के बाद उसमें कील लगाई, उसके बाद फिर भी हमें लगे भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऑफ था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ ऑफ थी। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, फाइनली अब घास को लपेटते हैं। फिर हमने कीले उखाड़ी, घास को लपेटा, लपेट के पूरा 180 डिग्री घुमाया, घुमाने के बाद दोबारा बिछाया। और इतने बड़े घास के रोल को घुमाना कौन सा आसान था, घंटा तो इसी में लग गया। वो जिस एंगल में बिछा हुआ था ना, जिस पहले में जैसे बिछाया था उस पर ये और था कि कहते हैं घास ना भी एक साइड को दबी हुई है, तो थोड़े एस्थेटिक्स खराब हो रहे थे। देखने में लग रहा था मामला कुछ ठीक सा नहीं है, असली नहीं लग रहा था, असली नहीं लग रहा था। तो हमने घुमा दिया, और देखोगे तो लगे ज़्यादा हर हर है। क्यों? क्योंकि दबी हुई है ना घास ऐसे को, अब इसको उठाएंगे फिर और अच्छा दिखेगा ये जब सही हो जाएगा। गुड कॉल, चेंज हो गया काफी इधर नाली में लुक। अब फील, लुक एंड फील चेंज हो गई बिल्कुल। अब यही वहां से जाके रिकॉर्ड करेगी, देखो अलग दिखेगा, जाके देख उस कोने से जाके देख। या वहां से लगा था नकली है, यहाँ से लगा था असली है। यही फर्क है। और फिर फाइनली हमारा पहला रोल जाके सेट हुआ। सेट होने के बाद हमने दूसरा रोल खोला और जितनी हमारी जगह बची थी उस हिसाब से मेजरमेंट लेके हमने दूसरा रोल काटा और फिर उसके बाद उसको भी लपेट के रखा साइड में। तो बड़ा सोना लग रहा है। बच गया ये, थोड़ा बच गया ये, बहुत बच गया। फिर वापस हो जाएगा, कहाँ लगाओगे? वापस हो जाएगा, नहीं वापस नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। ये थोड़ी वापस होगा। हाँ, आप कमरे लगा दे बेडरूम में। अच्छा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, बाकी सब कुछ पत्थर वापस हो जाते हैं, ये नहीं होता, साइज फिक्स होता उनका। हाँ, कितने लाना? बहुत सुंदर लग रहा है। उठते ही गार्डन में उठी हूँ मैं। हाँ। तो
मम्मी जी साहब ने उस पे जोर दिया हो ना इस वाले पे जाली वाले पे जाली तो पूरा बाहर आएगा और मैं कड़ी ऐसे होती किसी चीज के सहारे सहारा लो ना मतलब हमने घूम रहे थे उसके ऊपर वो जूते पहन गए ओ मम्मी का नजर पड़ता चप्पल उतार के चल के देखो एक बार सीढ़ी मम्मी दी मम्मी मत करो पहले कभी भी ऐसा काम नहीं है जिसमें इतनी ज्यादा लगी हो आर्टिफिशियल ग्रास उन्होंने जितना काम किया उतने में ना एक पूरे पीस से काम चल जाता था तो पहली बार जो उन्होंने किया कि एक्स्ट्रा एक और पीस लगा है तो वो बता रहे थे कहते हैं कि इसके लिए ना अलग से मशीन आती होती है जो बहुत सारा घास लगाते होते हैं हाँ। वो एक अलग मशीन आती है और सारे इनके जितने भी ब्रिसल्स बोल लो जो भी बोल लो इसको अच्छे से सही कर देती है खोल देती है सीधे कर देती है मिक्सअप कर देती है कोई नहीं तो इन्होंने कभी इतना काम किया नहीं तो इनको अभी मशीन वाली खरीदने की जरूरत पड़ी नहीं तो बट कोई नहीं बिट टाइम ये हो जाएगा सेटल हो जाएगा मामला हरा हरा अच्छा लग रहा है गुड जॉब सनी गुड जॉब जो बच गया उसका क्या करना है वो देखना पड़ेगा किया जाए उसका मैं तो कहता हूँ मम्मी को लगाते हैं आपके बेड के नीचे लगाते हैं सुबह उठो उठते ही लगे घास पे उठ रहे फील ये लगाएगी एकदम अब क्या बचा है अभी दरवाजा लगना वापस ये वाला अच्छा इसके लिए ड्रिल चाहिए पर अपने ड्रिल के लिए आगे जो बेटा है वो छोटे वाले हैं तो पाजी गए घर अपने बड़े वाले लेने के लिए अपनी टांड दिखा रहे हैं तू टांड आ गई तो क्या करूँ मैं There's nothing I can do. Transplant. Transplant. Yeah. Sochte. Kya ho gaya? Sare injal kunjal dukh rahe hain aaj. Zyada gym kar liya? Do din kar liye. सबके इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है कि आंटी आपको देख के तो हम भी इंस्पायर हो गए मैं जा नहीं रहा था मैं पक्का जाऊंगा हम दो दिन जाते हैं 10 दिन छुट्टी हो जाती है तो चले जाते हैं विंटर में क्या करना और बाय बाय हो गया रैप अप सामान जा रहा है वापस अब सारा इस
इसको कौन घसीटे कौन उठाए, अपना चालू को तो ना फंस जाता है। कीले ठोकनी पड़ेंगी फिर, कीले भी पड़ी है, कीले भी पड़ी है तो मुझे पता है, बट क्या यहाँ पे कोई, चलो वैसे फायदा है नहीं, बट आप तो यहाँ से ऐसे आ रहे हो जैसे आपने रोज इसी इलाके से आना है, आना पीछे दरवाजे से है, पर यहाँ से भी आ सकती हूँ। अब एक फूलों से भरे हुए गमले वो रखने हैं और गजीबो देखो इस साल लगता है या अगले साल लगता है, बदी जा रही है। हो तो एक साथ पूरा हो ना, सुंदर तो लगे। अभी ये गजीबो सुन और कुछ नहीं, दिवाली आएगी, दिवाली आने से पहले लाइटें लगा दी है सारी लड़ियां हमारे पास जो पड़ी है। ओके मम्मी, पूरी इधर पूरी उस पे कैसे लगे मम्मी, अब वैसी वाली वो नहीं है अपनी फेंस जिस पे लाइट लगाना है। नहीं लग सकती। अच्छा उन्होंने तो मेजरमेंट कर लिया दोबारा करो, देखो ये हैगा एक 13x10 दी मेजरमेंट गजीबो दी। अच्छा 13x10 है। हां सही है, आई थिंक 13x10 इज गुड। तो 12x12 ये वाला है, ये 13x10 है, ठीक है, और ये 12x12। सो हमारे पास दो ऑप्शन है क्योंकि दो अभी गजीबो 50% ऑफ पे लगे हुए हैं, सो हम उस चीज़ का लालच कर रहे हैं कि अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो सब कुछ ऑफ पे चल रहा है, सो शुड वी डू गो विद दैट और वी वेट। चलो जी फाइनली कितने दिनों बाद, अब तो मैंने काउंटिंग भी छोड़ दी, कौन सा दिन हो गया आज 10वां दिन है 11वां दिन है मेरे को नहीं पता कितना है, जो सा भी है, बस अब हो गया है मेन सारा काम, अभी भी क्या कुछ बाकी है नहीं यार हो गया बस। मेरे को अभी भी लगता रहता कुछ ना कुछ बाकी है, कुछ ना कुछ बाकी है, मैं सोचता था क्या बचा क्या बचा। तो इतने दिनों की मेहनत के बाद अब फाइनली हमारा कार्य संपन्न हो चुका है, बाकी अब आप कमेंट्स में बताइएगा कि भाई आपको कैसा लगा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बैकयार्ड का, और सही आई मीन मेहनत रंग लाई नहीं लाई, बाकी माता ही है तो जो रिएक्शन से उसे तो मैं बोला चलो ठीक है थोड़ा कार्य सफल हो गया अपना, मेहनत का फल मिला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो बस अब देख पहली बार ऐसा कुछ किया है तूने और खूब मेहनत करी है, देखो अपने आप को बड़ा अच्छा लग रहा होगा देख देख के। अच्छा तो लग ही रहा है क्योंकि हम मेरे को तो इतने में भी अच्छा लग रहा था, मैंने था लगा था घास लगाने से पहले, घास लगा के तो जैसे अच्छा लग रहा है, दोनों ने मम्मी खोली थी, जैसे हमने खोली ना घास मैंने और बची मैंने, हमने कहा एकदम दोनों के मुंह से एक साथ निकला वाओ। हरियाली देख के अच्छी लगती है भाई। क्या तो फिर जैसे बात हो रही थी गजीबो की, दो साइजेस अवेलेबल थे अच्छे रेट पे, पर जिस स्टोर में अवेलेबल थे हमने उनको फ़ोन किया जाने से पहले कि भाई बताओ स्टॉक में है या नहीं अवेलेबल, तो उन्होंने बताया भाई देखो आज सुबह ही जनता आई सब लूट के ले गई, तो अपने पास अब कोई गजीबो वाला सेल में कोई गजीबो सेट नहीं बचा, चेक करते रहेंगे, पर हम चेक करते रहेंगे जैसे जैसे जो भी अवेलेबल होगा फिर देखेंगे। बाकी उसके अलावा अब दो लेडीज के दिमाग चलने शुरू हो गए हैं कि पीछे ये लगाना है वो लगाना है, तो कभी कुछ हम देखना शुरू करेंगे कभी कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ हो तो चलता ही रहेगा अपना। बाकी बस अब ब्रैम्पटन जा रहे हैं तो वहाँ से मंजा जरूर लेके आना है, तंदूर भी उसके बाद बाकी इनकी मर्जी है, जिनको चाहिए जो करना है वो करते रहेंगे, इनके ना खत्म नहीं होंगे, ये भी करना है वो भी करना है, वो सब चलता रहेगा, वो सब बात की बात है। पर फिलहाल बस कहानी है कि अपना फाइनली ये वाला प्रोजेक्ट हो गया ख़त्म, निपट गए सारे काम, अब बस आप बताइए आपको कैसा लगा ये वाला पूरा प्रोजेक्ट, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा ताकि अपने को थोड़ी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी इस टाइप के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स और उठाना शुरू करूँ। वैसे मेरे दिमाग में
मेरे दिमाग में 3-4 चीजें और हैं जो भी हम कर सकते हैं, बैकयार्ड से रिलेटेड नहीं, कुछ और जो मैं करने का सोच रहा हूँ, तो उसके लिए भी जरा बशीर भाई को ही कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो बशीर भाई आप देख रहे हो तो प्लीज समझ जाना कि 2-3 चीजें और आने वाली हैं। चलिए फिर अब करते हैं ये वाली वीडियो यहीं पर समाप्त, और ये वाला प्रोजेक्ट भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए इस सीरीज के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।